फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। तो हम सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन वायदा $1733 पर ट्रेड कर रहा है 0.25% की करेक्शन के साथ। कल के मुकाबले आज देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन में लगभग $13 की गिरावट देखने को मिली है। तो यानी कि कल के कारोबारी सत्र में जो यूएस सोयाबीन था $1746 तक ट्रेड करता नज़र आ रहा था। अभी ऊपरी स्तरों पर हम अक्सर देखते हैं कि जो कंजप्शन वाली जो डिमांड रहती है, जो खपत वाली डिमांड रहती है, वो तो रहती है, लेकिन जो स्टॉकिस्ट वाली जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्योंकि एज अ बिजनेसमैन, एज अ व्यापारी, कोई भी नहीं चाहेगा कि महंगे में खरीदा जाए। हर व्यापारी चाहता है कि उसको हर चीज़ सस्ते में मिल जाए, कम दामों पर मिल जाए, कम दामों पर खरीद करके रख लें। तो इसीलिए ही हमने ऊपरी स्तर पर जो सोयाबीन है उसमें थोड़ा लिवाल कम होते हुए देखा है। अभी भारत में भी बात की जाए तो भारत में भी सोयाबीन का जो प्रोडक्शन था 21 में ठीक ठाक देखने को मिला था 20 के मुकाबले। और जो साल 2022 में अब जो सोयाबीन का सीज़न आएगा मानसून के आगमन पर, इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सोयाबीन तिलहन का जो उत्पादन है साल 2021 के मुकाबले 2022 में काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। अब क्यों ज़्यादा रह सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, सोयाबीन की जो कीमतें हैं पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ी हैं, अच्छी खासी बढ़ी हैं। और वो क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कम है। ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया, यूरुग्वे हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर सोयाबीन पहले के मुकाबले प्रोडक्शन में थोड़ा कम रहा है। इसलिए जो सप्लाई थी सोयाबीन की, जो आपूर्ति थी पूरे वैश्विक स्तर पर, थोड़ी टाइट देखने को मिली। और जब सप्लाई टाइट हुई तो प्राइसेस जो ओवरऑल कुल मिलाकर बढ़ते नज़र आए थे। किसानों ने भी, जिनके पास सोयाबीन रखी थी, उनको कुछ मुनाफा हुआ है। लेकिन अब किसान मन बना रहे हैं कि तिलहन में सोयाबीन को सरसों की तरह ही सोयाबीन की भी जो बुआई है इस बार अच्छी करी जाए। तो साल 2022 में किसान सोयाबीन की अच्छे से बुआई कर सकते हैं। 2021 में तो किसानों के पास इतना बीज उपलब्ध नहीं था, लेकिन इस बार किसानों ने सोयाबीन दाना स्टॉक करके रखा है, और आगे जिससे कि जब बुआई का सीज़न आएगा, जब बुआई का समय आएगा, तो किसान उसे बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे अच्छे बीज को। तो इसकी वजह से जो सोयाबीन का बाज़ार है ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है अभी तक। लेकिन जैसे ही सोयाबीन की बुआई के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, और नो डाउट इस बार सोयाबीन की बुआई का जो रकबा है ज़्यादा ही रहेगा, तो जब बुआई के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, तो धीरे धीरे सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं उनमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जब तिलहन के दाम थोड़े थोड़े गिरने लगेंगे तो जो खाद्य तेल हैं उनके भी दाम में ऐसी हो सकता है कि जो प्राइसेस हैं वो थोड़े गिर जाएं, या फिर जो प्राइसेस बढ़ने वाले थे वो वहीं पर रुक जाएं और आगे ना बढ़ें। क्योंकि इस बार हमने खाद्य तेलों में बात करें अगर CPO की, तो CPO के जो प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। खाद्य तेलों में इस बार CPO ने सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेल सबको पछाड़ा है। दरअसल जब से रशिया यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई है और यूक्रेन से सूरजमुखी के तेल की सप्लाई बंद हुई है, तब से लेकर अब तक जो कच्चा पाम तेल है उसके दाम आसमान में चढ़ चुके हैं। क्योंकि जो खपत सूरजमुखी तेल की होनी थी वो डाइवर्ट हो गई है अन्य तेलों पर, और अन्य तेलों में सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हुई है पाम ऑयल पे। और पाम ऑयल पे डाइवर्ट होने से इंडोनेशिया से भरमार एक्सपोर्ट किया जा रहा था क्रूड पाम ऑयल का, और इंडोनेशिया में भी जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, और उन्होंने भी पाम ऑयल का जो स्टॉक है वो बनाकर रख लिया। लेकिन इसके बाद इंडोनेशिया में जब किल्लत होने लगी क्रूड पाम ऑयल की, तो इंडोनेशिया सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात कह डाली और एक्सपोर्ट रुका हुआ है। तो इसकी वजह से कच्चा पाम तेल यानी CPO तेज़ी की ओर देखने को मिल रहा है। दूसरा, कच्चे तेल में भी अब CPO का कनेक्शन कच्चे तेल से भी है। जैसे अब सबको पता ही है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जो बहुत सारे देश हैं वो अब पेट्रोल में ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं कि
पेट्रोल में बायोफ्यूल ऐड किया जाना चाहिए, और बायोफ्यूल में कच्चा तेल हो गया, सोयाबीन हो गया, और बहुत सारे ऐसी एग्री कम्युनिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने के लिए किया जा रहा है, उनमें शुगर भी एक है। तो अगर कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं पाम ऑयल को भी मिलता रहता है। तो अभी कच्चा तेल जैसे तेज जाएगा तो पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं फिर से तेज हो जाएंगे, और पाम ऑयल में अगर तेज़ी आती है तो उसका सपोर्ट रिफाइंड का सपोर्ट ऑयल को मिलेगा। तो ऐसे ही एक चेन में जो एडिबल ऑयल हैं उनको एक सपोर्ट मिलता रहेगा। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।